इंजीनियर तो उन्होंने 3.5 लाख का ले लिया, मगर उसको 3 रुपए के हिसाब के टूल नहीं दे रहे, तो वो 3 पैसे का काम नहीं करके। तो चीजों के हिसाब की चीज लगाओगे जब भी परफॉर्मेंस मिलेगी, पैसा तो नहीं मिलेगा। अगर आप ज्यादा समझदार हो तो अपनी मर्जी का लगाओ, आप जानो आपका काम जाने, हम नहीं जाने। आपकी वीडियो देख लेगा थोड़ा बहुत समझ लेगा, नहीं तो भैया बहुत सारे बनाते वीडियो कौन समझाने बैठे, ये लगाओ वो लगाओ फैन लगाओ अगर में लगाओ जगड़ में लगाओ, फैन लगाने से कोई परफॉर्मेंस मिलेगा? मैं तो सीधा बोलता हूँ ऑनलाइन कम मिला है, ऑनलाइन से कम दे दूंगा, मार्केट से कम दे दूंगा। मैंने भैया महाराज जिस नहीं दोहा नहीं बोलूंगा, ये गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा गाली बढ़ रही थी, 48 का बोल लेते 52 का भी नहीं दे रहे थे। तो क्या ले दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं हूँ स्मार्ट टेक, और इधर आप देख सकते हो विकास भाई खड़े हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के ऊपर और प्रोसेसर, और यहाँ पे हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि आप जो हाई एंड पीसी बनाते हो, जैसे के सीरीज के प्रोसेसर लगाते हो या राइजन 9 के प्रोसेसर लगाते हो, तो उनके लिए कौन से बेस्ट मदरबोर्ड होंगे? मतलब कुछ लोगों का क्या होता है ना, मतलब वो पीसी बिल्ड करा लेते हैं, वो प्रोसेसर उन्होंने एक एकदम मस्त लगा लिया, राइजन 9 लगा लिया या 12 जन लगा लिया वो या i9 लगा लिया, जो भी लगाया, उसको लगाने के बाद में उनको परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती, यानी कि जो मदरबोर्ड है उन्होंने ऐसी बेसिक सा लगा लिया एंट्री लेवल। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर हमें लेते समय क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से हम एक बेस्ट मदरबोर्ड बाय कर सकते हैं। तो हेलो विकास भाई, कैसे हो आप? बस फर्स्ट क्लास। तो एक बार अपने बारे में बता दीजिए और स्टोर के बारे में बताइए। मेरा नाम विकास है, शॉप का नाम है स्मार्ट टेक एंटरप्राइजेस, 101 नेहरू प्लेस। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के बारे में, तो पहले हम प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं थोड़ा, मतलब ये हम किन प्रोसेसर के लिए, मतलब ये मदरबोर्ड हमने यहाँ पे लगाए हैं और किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। आज जो वीडियो आपके माध्यम से बन रही है इसका रीजन सिर्फ यही है, कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रोसेसर ले लिया और बोर्ड हल्का लगा दिया, मतलब कि इंजीनियर तो उन्होंने 3.5 लाख का ले लिया मगर उसको 3 रुपए के हिसाब के टूल नहीं दे रहे, तो वो 3 पैसे का काम नहीं करके देगा। तो इस वजह से ये मैंने लगवाया, नहीं तो ग्राफिक कार्ड का ही बनवा सकते थे, मगर मैं इस वजह से लोगों को पता पड़े कि मैं इतना हैवी प्रोसेसर ले रहा हूँ तो मुझे बोर्ड कौन सा लेना चाहिए, तो इस वजह से ये चीज के लिए मैंने वीडियो बनवाई है। तो यहाँ पर जो ये मदरबोर्ड लगे हैं उनके हम प्राइस के भी एक बार, मतलब प्राइस के बारे में भी जानेंगे, पर थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं और एक बार ये जानते हैं कि अगर कोई मदरबोर्ड ले रहा है तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और किस तरीके से वो बेस्ट मदरबोर्ड बाय कर सकता है, मतलब उसको क्या टिप्स ध्यान में रखनी, मतलब क्या चीजें उसको देखना। जैसे हमारे ये प्रोसेसर है, ये है तुम्हारा 10940K X, ये है ब्लैक एडिशन, ये नॉर्मल प्रोसेसर से काफी बड़ा होता है। ओके, ठीक है ना, ये आपका 12 जनरेशन से भी बड़ा सॉकेट है। तो इसमें क्या होता है, यह वर्कस्टेशन प्रोसेसर, ठीक है ना, तो इसमें जो बोर्ड लगेगा ये लगेगा, ये क्यों लगेगा, X299 है, ये क्यों लगेगा? पहले तो ड्यूल लेन, ठीक है ना, हर किसी बोर्ड में नहीं होती। दूसरा 3D ऑप्टिकल साउंड, ठीक है। तीसरा इसमें 8 DIMM सॉकेट है, 256 GB रैम सपोर्ट है, क्योंकि वर्कस्टेशन वालों को ज्यादा रैम चाहिए होती है क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर काफी हैवी होते हैं। तो पहली बात तो ये होगी, क्योंकि ये इसके हिसाब की कंबाइन किट है, ये 1,08,000 रुपए की बोर्ड प्रोसेसर है बस। ओके, दूसरा लोग बाग ले लेते हैं i9 कि भैया क्या लेके आए हो, i9 मदरबोर्ड कौन सा लगा लिया, 610 लगा लिया, भैया तुमने i9 ले लिया, बोर्ड कौन सा लगाया, 610। फिर बाद में बोलते भैया परफॉर्मेंस नहीं मिली, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, हाँ ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, उन्होंने कम के चक्कर में बोर्ड हल्का लगा लिया। तो चीजों की हिसाब की चीज लगाओगे जब भी परफॉर्मेंस मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलेगी। i9 ले लिया, ये हमारे 10 जनरेशन है, तो हम कुछ मैक्स नहीं कहेंगे, हम Z490 कहेंगे, क्योंकि मैं ब्रांड फेवर किसी का नहीं करूंगा। किसी भी कंपनी में Z490 लेना, अगर i9 ले रहे हो तो Z सीरीज का बोर्ड लेना, अगर K सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो तब भी Z सीरीज का बोर्ड लेना, नहीं तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। मतलब जो टॉम होप है यानी कि Z सीरीज है, तो ये हाई एंड जो प्रोसेसर है उनके लिए बेस्ट है। नॉर्मल बोर्ड पे ओवरक्लॉक होगा? नहीं, नॉर्मल बोर्ड पे ओवरक्लॉक नहीं हो पाएगा, नहीं हो। आपने ओवरक्लॉक प्रोसेसर ले रखा है, आप ओवरक्लॉक प्रोसेसर के हिसाब से ही तो चीज लगाओगे, ठीक है ना। अगर आपने बी सीरीज लगा दी उस पर ओवरक्लॉक होगा नहीं, तो आपको उस प्रोसेसर को लेकर फायदा क्या हुआ? इसकी जो बेस स्पीड है, चलो मान लेते हैं उसकी 3.7 up to 4.9 है, 4.9 से ऊपर ओवरक्लॉक करना पड़ गया तो कहां से करोगे, मिली परफॉर्मेंस नहीं मिली। तो इस वजह से हम इस पे ये बोर्ड लगा देंगे। जैसे हम जाते हैं तुम्हारे AMD के 9 सीरीज में ही जाते हैं, राइजन 5950X ले लेते हैं या 5800X ले लेते हैं या 5900X ले लेते हैं, तो इसके लिए बोर्ड लगा देते हैं हम X570। शुरुआत है X570 की, मगर ये वाला तो काफी कॉस्टली बोर्ड है, ये पड़ेगा आपको 33,000 का बोर्ड है, क्योंकि देखो भाई वो प्रोसेसर भी तो 56,000 का है, ये 33,000 का बोर्ड है भाई, बहुत हैवी चीज है। दोनों रेंडरिंग के लिए ज्यादातर 16 कोर यूज होते हैं, गेमर 16 कोर का करेगा क्या, उसको तो ग्राफिक अच्छा चाहिए, उसे हार्ड कोर में भी बहुत अच्छी गेमिंग हो जाएगी। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो ले लेता भाई मुझे अच्छी गेमिंग करनी है, तो वो तो भैया 8 कोर पे अच्छी गेमिंग हो जाती है, अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा लो, अच्छी सप्लाई, अच्छी SSD लगा लो। तो जैसे कोई प्रोसेसर लगा रहा है, एक हाई एंड प्रोसेसर, एक अच्छा प्रोसेसर लगा रहा है, तो उसके लिए मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि जैसे मैं हूँ मेरे को कुछ नहीं पता, जैसे मैं एक बेसिक हूँ, मतलब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने ये प्रोसेसर लिया और इसको मैं लगा रहा हूँ, तो मैं कैसे पता करूंगा मतलब ये मदरबोर्ड इसके लिए बेस्ट है, यही लगाना चाहिए, मतलब एक बार उसके बारे में बताइए। आपका i3 में भी i5 में भी सारे में सब वेरिएंट आते हैं। i3 का आप कोई सा भी ले लो 610 लगा लो 12 जनरेशन में, और 11 और 10th में 510 लगा लो, 410 लगा लो। i5 में आप ग्राफिक वाले में भी आप
610 लगा सकते हो, 510, 410 और आप एफ वाले में भी जिसमें ग्राफिक नहीं होता उसमें भी। मगर जब आता के सीरीज की बात तो भैया उसमें जेड सीरीज चाहिए। इन्होंने बोर्ड की एक सीरीज निकाली है, i3 में लगाओ 510, 610, 410, i5 में लगाओ आप 660, ठीक है ना, i7 में लगा रहे हो तो के सीरीज का बोर्ड लगाओ, या i5 के ले रहे हो तो उसमें भी जेड सीरीज का बोर्ड लगाओ। दोनों में अगर के सीरीज है या i5 के सीरीज से चालू हो जाता है आपका जेड सीरीज के बोर्ड, नहीं तो i5 के लिए आपका क्या नाम है उसका भी 660। अगर आपको i3 पे आप मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको क्या करना है, i3 लेना है, कोर मैटर नहीं करते, ज्यादा रैम चाहिए, 4 कोर ही चाहिए मगर ज्यादा रैम चाहिए तो भी 660 लगा सकते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। मगर जब आती है के सीरीज की बारी और i7 i9 की बारी तो भैया जेड सीरीज ही लगाना है क्योंकि उसी से परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। और आप अगर आप ज्यादा समझदार हो तो अपनी मर्जी का लगाओ, आप जानो आपका काम जाने, हम नहीं जानते, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी DDR5 की रैम आई है तो ये आपका DDR5 का मोटर हो, जैसे हमारा i9 है 16 कोर का, बोलते बंदे मुझे DDR5 की रैम लगानी है। अभी उनकी बात सुन लो, उनको ये पता है सिर्फ DDR5 की रैम आई है, लेटेस्ट आई है, मगर DDR5 की कौन सी रैम चाहिए पहले ये बताओ। वो सिर्फ एक भेड़ चाल वाली बात होती ना, उसने बोलते DDR5 तो DDR5 रट के आया, लेटेस्ट रट के आया, मैंने मुझे पता है क्या देना है, मैंने लगा दी उसमें 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम का रेट, बोलेगा महंगा है। आगे किसी ने लगा दी 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम, बोलेगा वो तो मुझे लूट रहे हैं। तो पहले ये सर्च करके आओ कितने मेगाहर्ट्ज की रैम चाहिए DDR5 में, क्योंकि 4800 भी है, 5200 भी है, 5400 भी है, 5600 भी है, 5800 भी, 6000 भी है, 7000 भी, ये चीज भी समझ के आना अगर लेने आ रहे हो। आपकी वीडियो देख लेगा थोड़ा बहुत समझ लेगा, नहीं तो भैया बहुत सारे बनाते हैं वीडियो, कौन समझाने बैठा है, वो सिर्फ थोड़ा पब्लिसिटी करने के चक्कर में ये लगाओ वो लगाओ फैन लगाओ अगर में लगाओ जगड़ में लगाओ, फैन लगाने से कोई परफॉर्मेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पास पैसे थोड़े ज्यादा है अगर अच्छा करना चाहते हो, Gen 4 की SSD लगा दो 500 GB उसकी स्पीड है 7000, इसमें 2 NVMe के स्लॉट है, 3, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ठीक है ना, एक Gen 4 की लगा दो 500 GB। बाद में अभी अगर हार्ड डिस्क बढ़ानी है 4 TB लगा दो, क्योंकि सी ड्राइव के लिए मुझे Gen 4 लगानी है और अच्छी स्पीड की चाहिए तो वो लगा दो NVMe। तो अभी मतलब जैसे कोई बोर्ड ले रहा है या फिर मदर बोर्ड ले रहा है तो उसमें वो क्या क्या चीजें देखी, मतलब ये तो होनी चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। आज के टाइम के हिसाब से अगर i7 i9 ले रहे हो, Wi-Fi 6 देख लो, BT देख लो, Wi-Fi 5.0, ठीक है ना, 4 रैम स्लॉट, 128 GB रैम सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, और तुम्हारा क्या नाम टाइप सी होना चाहिए, 3D ऑप्टिकल साउंड होना चाहिए, 7.1 चैनल साउंड होना चाहिए, 3.2 Gen 2 जिसकी स्पीड 20 GBPS है वो होना चाहिए, ये चीजें देखनी है। और अभी हम देखो, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ मगर थोड़ा भैया जिसको समझना थोड़ा रोक रोक के समझ भी लेना, हाँ मतलब स्लो कर सकते हैं, स्लो करके समझ लेना। तो ठीक है विकास भाई, हमने ये तो जान ली कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये तो सही है कि एक बेस्ट मदरबोर्ड हमें मिल गया। तो अभी मेरे को ये भी बताओ कि मतलब जो अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर लेने आ रहा है मार्केट में तो वो मतलब Gen 1T के हिसाब से बेस्ट मदरबोर्ड, भाई देखो यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं, कुछ बंदे रेट देखते हैं मगर ये नहीं देख रेट ही देखते हैं, वो चीज नहीं देख, पहले चीज देखो कि किस चीज का कितना रेट लगाया है, ठीक है ना भैया, कौन सी चीज थी ये थी, कितना प्राइस है ये है, कौन सा बंदा क्या दे रहा है वो चीज तो देखो। आप खाली रेट देख लिए भैया कोटेशन ले, बंदे आते हैं भैया कोटेशन बना दो, ट्राई करेंगे बंदा क्या करता कोटेशन ही बनाएगा ना, दे दिया बना के, सामान दिखाया नहीं दिखाया, उन्होंने क्या देखा इसका कम है, जब जाएगा लेने उसे घुमा देंगे, क्या होगा, उसने क्या मांगा कोटेशन, उसने ये नहीं बोला मुझे PC बिल्ड कराना भैया थोड़ा बता भी दो, उसने सिर्फ मांगी मेरे से कोटेशन, तो क्या करूंगा कोटेशन, समझ लेने वाला बंदा अलग तरीके से बात करता है, भैया थोड़ा बता दो हमें अच्छी चीज मिल जाए बस रीजनेबल रेट। मैं तो सीधा बोलता हूँ ऑनलाइन कम मिल रहा है ऑनलाइन से कम दे दूंगा, मार्केट से कम दे दूंगा, मगर वो चीज लो ना जो मैं चीज दे रहा हूँ वो मार्केट में ट्राई कर लो, मगर जो मार्केट वाले दे रहे हो वो मेरे को दिखाओ, मैं उससे नीचे देता हूँ। अभी ये भैया 1.5 लाख का PC बनवा के गए, ठीक है, कम से कम इनके पास 17 कोटेशन होंगी, फ्रॉड हो रहा था, क्या फ्रॉड हो रहा था, i7 का प्रोसेसर 12700 के 27500 में दे रहा था, मैंने सीधा बोला भाई ले आओ, बोला भैया दे देगा, मैंने भैया महाराज एडजस्ट नहीं दोहा नहीं बोलूंगा ये गलत हो जाएगा, मैंने पहले लिया हो फिर उसके बाद देखेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, गए झगड़ा ने और लग गया, भैया आप सही कह रहे थे। तो इसीलिए मैं विकास भाई आपसे यही चीज तो पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर कोई लेने आ रहा है मार्केट में जैसे आ रहा हो तो किस तरीके से वो एक बेस्ट लेके जा सकता है कि उसको कोई मतलब ऐसा ही ना चिपका दे कि वो बेकार हो या कुछ यूज हो या मतलब जेन्युइन चीज लेके जा पाए। आपकी वीडियो बंदे सारे देखेंगे, सारी नॉलेज लेंगे, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे देखो ज्यादा समझदार भी बंदे जो अपने आपके अपने आगे किसी के समझते नहीं है, वो रेट यहाँ से लेंगे, मैं तो पहले ऐसे करवा के लेके आया था करवा के लिया था, वो हर जी के जाएंगे हम के चक्कर में मार खाए, ऑनलाइन चेक कर लो रेट, मार्केट चेक कर लो, सजेशन के लिए हम बैठे हुए, अगर आप कुछ गलत ले रहे होगे तो मैं तो बता देता हूँ भाई ये मतलब ये ले आपका ये चीज हो जाएगा, मगर दूसरे सेल्समैन की मैं क्या बोलूं, दूसरे दुकान पे कोई जा रहा है कोई नहीं सजेस्ट कर रहा तो मेरी गलती थोड़ी ना। जैसे मैंने बोला था ना i5 के लिए 12 जनरेशन के लिए 660 है, 4 रैम स्लॉट है, 660 देखना, 4 रैम स्लॉट देखने, BT Wi-Fi मिल जाए बैलन गुड है, ठीक है ना, इसमें Wi-Fi भी आता है, BT Wi-Fi के साथ में आता है, दूसरा सारी चीजें HDMI DP, ठीक है, 3.0 2.0 GB LAN है, 2.5 GBPS, सबसे पहले LAN की स्पीड देखो,
अगर आप वाईफाई नहीं ले रहे हो इस बोर्ड के अंदर, तो लैन की स्पीड देखो कितनी मिली है, यानी कि नॉर्मल लैन मिली है 1 GBPS, देखो 2.5 GBPS लैन सपोर्ट मिल जाए। देखना है कितनी GBPS की लैन है, लैन हाँ ठीक है ना, अगर वाईफाई नहीं ले रहे, क्योंकि वाईफाई की स्पीड ज्यादा होती नहीं है, और जिसे वह भी काम करना है उसे लैन की स्पीड अच्छी लैन से ही चलता है ठीक है ना, तो वो वाईफाई नहीं लेता क्योंकि वो बोलता भाई मैं लैन से ही चलाऊंगा, मेरा लैन से ही काम होगा, तो उसे देख लेना चाहिए कि 2.5 GBPS मिल जाए, जो सबसे लेटेस्ट चलिए वो मिल जाए ठीक है ना, और 4 RAM स्लॉट मिल जाए। जैसे मैंने अभी बताया था कि i3 में बंदे बोलता है i3 चाहिए और मुझे ज्यादा रैम लगानी है, तो आप 4 RAM स्लॉट वाला ये ले सकते हो i3 के साथ में बैलेंस ठीक है ना। i5 में अगर के वर्जन में तो भैया Z सीरीज ही लगाना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास अपने 10th जनरेशन के ये बोर्ड हो गए Z49 Ryzen 9 है, Ryzen 9 के लिए ये X570 ठीक है, 10th जनरेशन में वाईफाई चाहिए, 10-11th के लिए वाईफाई 6 के साथ में BT भी है 5.0, और ये आपके लिए 12th जनरेशन के लिए Z सीरीज ये भी है, सारे हाई एंड बोर्ड है क्योंकि हैवी पीसी बनाता हूँ, नॉर्मल पीसी के लिए छोटे बोर्ड अलग रखे हुए। और ये ग्राफिक कार्ड आप उधर दिखा सकते हो, सारे के सारे ग्राफिक कार्ड में भी रेंज कम नहीं है, यहाँ से लेके वहां तक वहाँ नीचे भी देख लो एक बार उधर, ये सारे ग्राफिक कार्ड है भाई, जितने भी सारे जो चाहिए वो मिलेगा, खाली डब्बा नहीं है, सामान भरा हुआ है, जो चाहिए वो मिलेगा, जो प्रोसेसर चाहिए, जो SSD चाहिए, जैसी कैबिनेट चाहिए वैसे ठीक है। तो विकास भाई मतलब आपने ये तो सब चीजें बता दी, तो प्राइस का तो मतलब आप बताने नहीं वाले, प्राइस तो आप यही बोलते हो कि जो मार्केट में मिल रहा है उससे। भाई प्राइस बता के फायदा क्या, अभी 2-3 घंटे पहले मैंने वीडियो बना कर रही थी, क्यों सबसे ज्यादा गाली पड़ रही थी, 48 का बोल रहे थे, 52 का भी नहीं दे रहे थे, क्या ग्राफिक कार्ड हाँ ऐसे थे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 3080 कितने का लोगे, चलो बताओ कितने का दोगे, 83,000 का ले लो जोटेक का, 80,000 83 जिस रेट में मैं दे दूंगा, ये नहीं कि मैं झूठ बोल दूं कि मैं इतने का है और बाद में मैं इनकार कर दूं, तो मैं गाली खाने वाले काम नहीं करता, साफ सुथरी बात है। और मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर करके बोलते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी इसी टाइम में बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी प्राइस ब्रोक हुआ ना उसके बाद में कि बैंगलोर में कम हो रहा है, मुंबई में, मतलब नेहरू प्लेस वाले क्यों नहीं करते मेरे को ये बताओ। भैया कहीं कुछ कम नहीं हुआ, मैंने 3060 Ti कितने का बेचा पता है, कितने का, 48,000 जो टेक का बेचा दिया थे, 50 पीस 100 पीस, कम से कम 750 पीस बेचे, 2-3 दिन बाद फिर बढ़ गए, अब 54 हो रखा है ठीक है ना, अब वो रेट है, जब घटता है तो घट के देंगे, जब बढ़ेगा तो बढ़ के रेट पे देंगे हम। भैया जब मुझे लगता है रेट सिटेबल नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बनवाता, जब मुझे लगता है मैं दे दूंगा तो भैया माल रखा है आओ लेके जाओ, पहले ट्राई कर लो, 1,000 रुपये नीचे दे दूंगा। तो ठीक है गाइस, तो यही थी आज की वीडियो, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तो जो स्टोर का एड्रेस है नंबर है मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।